हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार एसएससी का बुक है एसपीडी का, उसका क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं जो पहला वर्ण लेनर लिखे हैं वो देख लेते हैं। पहला राज्य, भारत के पहला राज्य जहाँ सभी गाँव में बिजली पहुँची वो कौन सा है? तो वह राज्य हो जाएगा हरियाणा। भारत के पहला वह राज्य हरियाणा है जहाँ पर सभी गाँव में बिजली पहुँची थी। ऊनी वस्त्र का पहला मिल कहाँ पे खोला गया था? ऊनी वस्त्र का पहला मिल खोला गया था कानपुर में 1876 में। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहेगा तो ये कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु में। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। और सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है गोवा में। वही विज्ञान केंद्र कहेगा तो तमिलनाडु में है। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? तो भारत के बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। आगे देखेंगे, अब इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, नागालैंड राज्य की भाषा क्या है? तो नागालैंड जो राज्य है जिसकी स्थापना 1963 में हुआ था, इसका राज्य भाषा कहेगा तो ये हो जाएगा अंग्रेजी। और नागा जो जनजाति है ये नागालैंड राज्य में पाई जाती है। हिंदी हो जाएगा बिहार के राज्य भाषा। और जो बोडो जनजाति है ये असम राज्य में पाई जाती है। बोडो जो जनजाति है ये असम में निवास करती है। नागा जनजाति नागालैंड में। हिंदी हो जाएगा बिहार की राज्य भाषा, अंग्रेजी हो जाएगा नागालैंड के राज्य भाषा। दो नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश में। और इंदौर भारत के सबसे साफ सुथरा शहर है। चीनी अनुसंधान केंद्र कहेगा तो ये स्थित है कहाँ पे? तो चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन स्थित है ये भोपाल में। आगे देख लेंगे, तीन नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत के सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नदी कहेगा तो भागीरथी नदी पे। भारत के सबसे लंबा बांध हो जाएगा कौन? तो हीराकुंड बांध, ये भारत के सबसे लंबा बांध है। और ये महानदी पर है। और कहाँ पर? तो उड़ीसा में। भारत के सबसे बड़ा कहेगा बांध कौन सा है? तो ये हो जाएगा भाखड़ा बांध। सबसे बड़ा हो जाएगा भाखड़ा बांध और ये सतलज नदी पर है। सबसे लंबा हो जाएगा हीराकुंड और सबसे ऊंचा कहेगा तो ये हो जाएगा टिहरी, जो कि भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में है। गंगा सागर प्रोजेक्ट कहेगा किस राज्य में स्थित है? तो गंगा सागर प्रोजेक्ट ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चार नंबर देखेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा जिम कार्बेट, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और इसका स्थापना हुआ था 1935 में। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो ये राजस्थान में स्थित है, भरतपुर राजस्थान। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा असम में। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। हेमिस हो जाएगा जम्मू कश्मीर और केवला देव हो जाएगा भरतपुर राजस्थान, मानस हो जाएगा असम। आगे देखेंगे, पांच नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कुदरेमुख कह रहा है कि कुदरेमुख अयस्क खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। और सोना के लिए प्रसिद्ध है कोलार जो खान है ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। और कुदरेमुख कहेगा तो लौह अयस्क के लिए। और कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में। झरिया प्रसिद्ध है, झरिया झारखंड में स्थित है। और ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी स्थान जो कि राजस्थान में है। छः नंबर देखेंगे, साइलेंट वैली यानी कि मौन घाटी कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहेगा तो स्थित है केरल में। और इसी से संबंधित आता है एक सिलिकॉन वैली कहेगा तो सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली स्थित है कर्नाटक में। साइलेंट वैली कहेगा तो केरल हो जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और अमरनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। कामाख्या मंदिर स्थित है असम में। आगे देखेंगे, सात नंबर हो जाएगा, नाप्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो ये स्थित है सतलज नदी पे। और ये कहेगा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बगड़ीहार परियोजना ये चिनाव नदी पर स्थित है। और किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में। बहुत सा इसमें क्वेश्चन दो बार आएगा जिससे आपका रिपीट होते होते याद भी हो जाएगा। थीन बांध कहाँ पर स्थित है? तो थीन बांध स्थित है रावी नदी पे। थीन बांध का किस राज्य में है? तो पंजाब में है। सिंधु नदी पर कौन सा स्थित है? तो लद्दाख जो वर्तमान में भारत के सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और ये सिंधु नदी पर बसा है। आठ नंबर देखेंगे,
नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पे और ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। गोदावरी नदी पे, गोदावरी नदी पे कौन सी परियोजना है? तो जायकवाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पे है। किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पे है गुजरात में। होंगे कल जो झरना कहेगा, होंगे कल झरना किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। आगे देख लेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है? कोलार की खान प्रसिद्ध है सोना उत्पादन के लिए और ये कर्नाटक में है। पन्ना के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना के लिए, पन्ना जो शहर है मध्य प्रदेश में, और ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश में। हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है पन्ना शहर और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और हीरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध शहर कहेगा तो सूरत हो जाएगा। हीरा व्यापार के लिए सूरत शहर प्रसिद्ध है और हीरा उत्पादन के लिए पन्ना शहर प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। लोहा उत्पादन के लिए हो जाएगा कुद्रुमुख जो कि कर्नाटक में है। 10 नंबर हो जाएगा, एलिफेंट जलप्रपात कहाँ स्थित है? एलिफेंट जलप्रपात ये मेघालय राज्य में स्थित है। नोकरेक, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये भी मेघालय में स्थित है और एलिफेंटा जलप्रपात कहेगा तो मेघालय में ही है। कान्हा किसली, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है। इडुकी परियोजना केरल राज्य में है और किस नदी पे कहेगा तो ये स्थित है पेरियार नदी पे। इडुकी परियोजना पेरियार नदी पे केरल राज्य में स्थित है। आगे देख लेंगे, 11 नंबर हो जाएगा, हीरा कुंड बांध कहाँ में स्थित है? तो हीरा कुंड बांध कहेगा तो ये महानदी पर स्थित है उड़ीसा राज्य में। लकवा तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो लकवा तेल क्षेत्र ये असम राज्य में है। पोंग बांध, पोंग बांध कहेगा किस नदी पर है? तो पोंग बांध है ब्यास नदी पे और किस राज्य में? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश राज्य में है किस नदी पे? तो ब्यास नदी पे। बगड़िहार परियोजना, बगड़िहार परियोजना किस नदी पे है? तो बगड़िहार है चिनाव नदी पे और ये जम्मू कश्मीर में है। 12 नंबर देखेंगे, पानीपत भारत के किस राज्य में है? तो पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है और इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। पानीपत को बुनकरों की शहर कहा जाता है। कठपुतली, कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य के है? तो ये राजस्थान का है। और कजरी लोक नृत्य कहेगा तो ये उत्तर प्रदेश के है। आगे देखेंगे, 13 नंबर हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में और नदी कहेगा तो नर्मदा नदी पे। मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पे है। 14 नंबर है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। लाह अनुसंधान संस्थान कहेगा तो रांची में है। भारत भवन स्थित है भोपाल में। आगे देख लेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या स्थित है सरजू नदी के किनारे। कालीबंगा जो, कालीबंगा हड़प्पा स्थल ये घघरा नदी किनारे है, घघर नदी किनारे और ये राजस्थान में है। पटना जो शहर है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ शहर ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। 16 नंबर हो जाएगा, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध स्थित है ब्यास नदी पे और ये हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नागल बांध कहेगा किस राज्य, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? तो ये है पंजाब में और ये सतलज नदी पे है। और भाखड़ा जो नागल बांध है ये पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों के सम्मिलित परियोजना है। बगड़िहार परियोजना कहेगा तो ये चिनाव नदी पे है। तुलबुल परियोजना हो जाएगा झेलम नदी पे। भारत का कोहिनूर किसे कहते हैं? तो भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, दाचीगराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाचीगराम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू कश्मीर में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडा के लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल में। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो थीन जो बांध है ये रावी नदी पे है, राज्य कहेगा तो पंजाब में है। भाखड़ा नागल जो बांध है ये सतलज नदी पे है, पंजाब हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त परियोजना है। पाकिस्तान सिंधु नदी के, पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल समझौता हुआ था ये हुआ था 1960 में। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। पोंग बांध ब्यास नदी पर है और ये राज्य कहेगा तो हिमाचल प्रदेश। यहाँ कन्फ्यूज होता है, जो थीन बांध है ये थीन बांध किस नदी पे है? तो थीन बांध हो जाएगा रावी नदी पे, राज्य हो जाएगा पंजाब।
पोंग बांध हो जाएगा ब्यास नदी पे, राज्य कहेगा तो हिमाचल प्रदेश। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, उरी जो है उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नापता झाकरी जो परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे उत्तर प्रदेश में है। रंजीत सागर कहेगा रंजीत सागर बांध कहाँ स्थित है, तो रंजीत सागर बांध स्थित है पंजाब में। 20 नंबर देखेंगे, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। अबोहर कहेगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये पंजाब में है। तंसा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा, केसर उत्पादक एकमात्र राज्य कौन सा है, तो केसर उत्पादक के लिए एकमात्र राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर। प्याज उत्पादन में अग्रणी राज्य कहेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सोयाबीन उत्पादन में या मूंगफली उत्पादन में, मूंगफली में हो जाएगा गुजरात, मूंगफली उत्पादन में गुजरात हो जाएगा, और सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। 22 नंबर है, नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उड़ीसा में। वाल्मीकि राष्ट्रीय कहेगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो यह है बिहार में। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। अन्नामलाई कहेगा तो तमिलनाडु में है। आगे देख लेंगे 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो जो अलमाटी बांध है ये कृष्णा नदी पर स्थित है, कहाँ पे, तो कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पे है। सरदार सरोवर परियोजना कहेगा तो नर्मदा नदी पे है। पोचमपाद परियोजना किस नदी पे है, तो गोदावरी नदी पे है। 24 नंबर हो जाएगा, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो स्थित है रांची में। गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय धातु अनुसंधान केंद्र कहेगा तो जमशेदपुर में है। आगे देख लेंगे 25 नंबर हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत के सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड, और ये महानदी पे है। सबसे बड़ा बांध कहेगा तो भाखड़ा बांध हो जाएगा जो कि चंबन नदी पे है, और सबसे ऊंचा बांध कहेगा तो ये हो जाएगा टिहरी बांध भागीरथी नदी पे उत्तराखंड। गांधी सागर बांध किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। 26 नंबर हो जाएगा, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा केरल। जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा गुजरात, और प्याज उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा, इडुकी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है पेरियार नदी पे, और राज्य हो जाएगा केरल। जो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पे है। पौना नदी पे कहेगा कौन सा परियोजना स्थित है, तो जो भीमा परियोजना पौना नदी पे है महाराष्ट्र। भीमा परियोजना पौना नदी पर स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। 28 नंबर हो जाएगा, कोइलकारो विद्युत परियोजना कहाँ में स्थित है, तो कोइलकारो विद्युत परियोजना स्थित है झारखंड में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे उत्तर प्रदेश। गंगा सागर परियोजना किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और गंगा सागर प्रोजेक्ट कहेगा कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में। गंगा सागर परियोजना चंबन नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश में। गंगा सागर प्रोजेक्ट कहेगा तो ये स्थित है उत्तराखंड में। काकरापारा कहेगा परियोजना कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है, और ये ताप्ती नदी पे है। आगे देख लेंगे 29 नंबर हो जाएगा, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तिलैया बांध कहेगा किस नदी पे है, तो बराकर नदी पे। दुर्गा जो बैराज है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है दामोदर नदी पे। मेटूर बांध किस नदी पे है, तो मेटूर बांध कावेरी नदी पे है तमिलनाडु। 30 नंबर हो जाएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है स्थित है राजस्थान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है और ये गुजरात राज्य में है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो ये महाराष्ट्र में है। आगे देख लेंगे 31 नंबर हो जाएगा,
हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है और ये कृष्णा नदी के सहायक नदी है। मूसी जो नदी है कृष्णा नदी के सहायक नदी है। मूसलीपट्टनम जो शहर है ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है और विजयनगर की राजधानी हम्पी ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है।